दोस्तों, ये कहानी है श्रुति की। एक लड़की जो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके तीन बड़े भाई थे। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर कर दी जाती थी। पूरे घर में उसका रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी श्रुति। बड़े घर की लाडली बेटी होने के कारण स्कूल में भी उसका काफ़ी रौब रहा करता था। समय बीतता गया और देखते ही देखते श्रुति ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में अपनी ही एक अलग पहचान थी उसकी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। श्रुति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर फिर भी उसने हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसके परिवार वाले उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजेश था। राजेश काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में श्रुति की जगह वैसी ही थी जैसे कि उसके मायके में। कोई भी काम उसकी सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर कुछ समय बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समा रहे थे और उसका नाम रखा गया बिट्टू। श्रुति कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। पर शायद श्रुति की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई। एक दिन की बात है, वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें श्रुति, राजेश और बिट्टू बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राजेश और बिट्टू तो ठीक हो गए, लेकिन श्रुति पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने की वजह से वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब श्रुति की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे और कभी कभार फोन भी करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है और अब तुम भी हाथ नहीं बढ़ा सकती काम में। राजेश भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा। बस बिट्टू ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन श्रुति के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बिट्टू को हल्की सी चोट लग गई। श्रुति के सास ससुर ने बिट्टू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने से की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। श्रुति अब अंदर से टूटने लगी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजेश बिना कुछ सवाल जवाब किए तुरंत उसे मार के छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन बिट्टू को उसके साथ नहीं भेजा गया। श्रुति कभी बिट्टू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। श्रुति को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। श्रुति के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ श्रुति का पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ काफी घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह तुरंत समझ गई कि ससुराल वालों ने बहुत सारे कपड़े इसलिए रख दिए कि वो जल्दी वापस ना आए। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, फिर सब जैसे बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजेश कब आ रहा है उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कभी कभी श्रुति से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता तो थोड़ी बहुत टोका टोके की आवाजें उसे सुनाई देती, पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। श्रुति के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजेश को खुद से फोन कर दिया। राजेश श्रुति को अपने घर ले आया। श्रुति को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस श्रुति के कहे बिना घर से एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी।
राजेश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकड़े बिट्टू के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। श्रुति को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और बिट्टू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को बिट्टू की जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पीने पहनने जैसी जरूरतों को ध्यान रखती थी। श्रुति ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिए बिट्टू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।